हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि मेरा एक दोस्त अभी गुड़गांव में फंसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे घूमना है, थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा घुमा गुड़गांव। तो जैसे कि वो सामान लेने बाहर निकलता था तो उसने थोड़ा सा एरिया कवर किया एंड मुझे दिखाया। तो मैं इस ब्लॉग में ले आया हूँ इसको, क्योंकि आपको भी रियलाइज होगा कि रियल में हमारे साथ हो क्या रहा है इस 2020 में। वीडियो शुरू होने से पहले बताता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ DLF साइबर सिटी। ये लोग आप देख सकते हैं, ये हमारा DLF साइबर सिटी। चलो भाई, हम भी पहुंच गए DLF साइबर सिटी देखने। पहले तो भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतना मेहनत से हमें घुमा रहे हो इस लॉकडाउन के बीच में। तो भाई आशा करता हूँ कि तुम जल्दी से घर पहुंच जाओगे जैसे भी करके। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे भाई दिखाएंगे DLF साइबर सिटी, जो कि पूरा लग रहा है दुबई। आप देख ही सकते हो, इन्होंने पूरा इसका जो नज़ारा है पूरा बदल दिया है। तो लॉकडाउन में और भी सुंदर ये लग रहा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं लॉकडाउन से पहले ये कैसा दिखता था उसका मैं थोड़ा सा वीडियो दे देता हूँ। कितना सुनसान है ना हो रहा है भाई, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही प्लेस है जो हमने थोड़ी देर पहले लॉकडाउन की पहली वाली वीडियो में देखे भाई। ये है इंफिनिटी टावर, इस बिल्डिंग का नाम दैट्स 9A, दैट्स राउंड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग 10। दीज आर द वे, देखिए लॉकडाउन के वजह से कितना सुनसान पड़ा है। और एक बात मैं भूल गया था भाई का इंट्रोडक्शन करवाने, भाई का नाम है हसन एंड भाई गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। तो थैंक यू भाई फिर से, एंड चलो वीडियो को आगे लेके चलो, हम भी आ रहे तुम्हारे पीछे पीछे। गाइस यू कैन सी दिस प्लेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चारों तरफ ग्रीन एंड ग्रीन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रीनरी बहुत दिख रहा है एंड रास्ते भी इतना क्लीन नज़र आ रहा है। तो लग रहा है कि लॉकडाउन ने हमें एक मौका दे दिया है कि रियल में ये कितना खूबसूरत है देखने को हमें मिल रहा है। तो गाइस बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। तो गाइस जस्ट इमेजिन कि ये जो अभी हमारा देश का हालत है, कोरोना आया हुआ है, इसके ख़त्म होने के बाद अगर कोई दूसरा डिजीज ऐसा ही भयानक आ जाए तो क्या हालत होगा हमारे देश का। तो गाइस मजाक था, ऐसा भयानक इमेजिनेशन कभी मत करना। एंड अभी टाइम हो रहा है गुड बाय बोलने का सबको, एंड हमारा भाई एक गुड़गांव में है। तो भाई तुमको बोलना चाहूँगा स्टे सेफ एंड एवरीवन प्रे कि सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं गुड बाय, तो यहीं पर ब्लॉग समाप्त होता है। सी यू सून। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर करना। आई नो बहुत छोटा सा एंड सिंपल सा ये ब्लॉग रहा है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।